Hello guys, welcome to another lecture of Ashwadeep EduTech YouTube channel. In this video lecture, we will talk about pyramid of energy. Now, pyramid of energy के बात करने से भी पहले हम लोग ये जानते हैं कि energy कैसे आता है. This is one of the most important thing. Energy obtained, energy बनती कहाँ से और who is the ultimate source of energy? सभी को पता है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये बहुत सारा एनर्जी बनाता है और सन के बाद कोई एनर्जी सन से एब्जॉर्ब करता है तो वो होते प्रोड्यूसर. ओके, सो अगर सन ने 10,000 या 1 लाख 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज की तो प्रोड्यूसर के पास आते आते वो एनर्जी पहुंचती है 10,000 किलो कैलोरी. ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें सो 90,000 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो गई है, वो हीट के थ्रू लॉस्ट हो गई. सो 90,000 किलो कैलोरी लॉस्ट थ्रू हीट. ओके, सो 90,000 1 लाख अगर सपोज हमने किया कि 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी सन से निकल रही है तो 90,000 किलो कैलोरी हीट के थ्रू लॉस्ट हो रही है एंड प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो कैलोरी, सॉरी यहाँ पे एक जीरो और होगा, 10,000 किलो कैलोरी प्रोड्यूसर तक पहुंच रही है एंड नाउ 90,000 लॉस्ट हो गई. प्रोड्यूसर के बाद कोई एनर्जी लेगा तो वो होते हैं हर्बीवोर्स. ओके, ये जो है अब इनके पास कितनी एनर्जी आएगी, इट विल गोइंग टू कम ओनली 1,000 किलो कैलोरी. ओके, और बचा हुआ 9,000 जो है लॉस्ट थ्रू. तो इसके बाद आएगा कार्निवोर्स, इसके बाद आएगा ओमनिवोर्स, देन डिकम्पोजर. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे ध्यान दें तो एट ईच ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% एनर्जी इज रीचिंग. ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी इज रीचिंग, बाकी का जो बचा हुआ 90% एनर्जी है इट इज लॉस्ट थ्रू हीट. सो ये होता है एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी ऑफ पिरामिड. इसको हम लोग पिरामिड में भी बना सकते हैं. अगर हम लोग पिरामिड में बनाए तो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है. पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो बेस में सन आएगा, इसके ऊपर आएगा प्रोड्यूसर, इसके ऊपर हर्बीवोर एंड कार्निवोर. ओके, इसके ऊपर ओमनिवोर. ओके, सो यहां पे अगेन 1 लाख अगर है, ओके 1 लाख एनर्जी है तो प्रोड्यूसर के पास कितनी आएगी, 10,000, हर्बीवोर्स के पास ओनली 1,000, कार्निवोर्स के बाद 100, ओके एंड ओमनिवोर्स के पास ओनली 10. सो आप देखेंगे कि सिर्फ 10% ही एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फॉर्म होती है, जाती है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पिरामिड इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ एनर्जी.
ये सिर्फ पिरामिड ऑफ एनर्जी है, कोई भी इकोसिस्टम का एग्जांपल हमने नहीं लेके बात किया। दिस इज अ जनरलाइज विच इज मेंशन, दिस पर्टिकुलर पिरामिड इज नॉट मेंशन इन योर बुक, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू एंड दिस इज ओनली द थिंग। एंड एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया हुआ है उसकी भी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। आपके बुक में पिरामिड ऑफ एनर्जी का एक एग्जाम्पल दिया है, वो है सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद फिश, उसके बाद ह्यूमन। अभी दो जो वर्ड है ये थोड़ा फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स होते क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स ये भी आपके बुक में दे दिया है। सो फाइटो मींस प्लांट, प्लांट्स, ओके। सो प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जू प्लैंक्टन्स देन? एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो दैट इज व्हाई फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मींस प्लांट, जू प्लैंक्टन एनिमल, जू मींस एनिमल, सो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो यहां फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं आपके बुक में जो एग्जांपल है, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द एक्वाटिक ecosystem. Now, this is the example of aquatic ecosystem का pyramid of energy है. Okay? Now, aquatic ecosystem मतलब water related ecosystem. It can be lake, it can be marine, that is sea. So this is a single drop also can be a ecosystem. Okay? Now, phytoplanktons अगर यहाँ पे producer का काम करता है तो phytoplanktons जो है वो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, तो जू प्लैंक्टन्स तक फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने के लिए इट इज ओनली हैविंग 100 किलो कैलोरी एनर्जी। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे सॉरी 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचाए, इट मीन्स 90% जो एनर्जी है वो हीट में लॉस्ट हो गई है। ओके, नाउ फिश के पास कितना पहुंचेगा? अगर ये 1,000 है तो ओनली 10%, सो 100 किलो कैलोरी। और ये ह्यूमंस है जो हम लोग फिश खाते हैं तो यहां पे 10 किलो कैलोरी। ओके, सो दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। अभी अगर आप ये सीक्वेंस आगे पीछे लिखते हो तो आपके पूरे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने जू प्लैंक्टन्स को नीचे लिखा और फाइटोप्लैंक्टन्स को ऊपर लिखा और फिश को जू प्लैंक्टन्स के जगह पे लिखा और जू प्लैंक्टन्स को फिश के जगह पे रखा तो ह्यूमंस, तो आपके पूरे मार्क्स कट सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसको रिमेम्बर रखने के लिए, पी जेड एफ एच, ओके। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ड्रॉ द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ इको सिस्टम। सो पी जेड एफ एच, so always remember P will come first, Z after that, F उसके बाद और H it will be last. So you can remember with this short trick P Z F H.
सो पी स्टैंड फॉर फाइटोप्लैंकटन, जेड स्टैंड फॉर zooplankton, F stands for fish and H stands for human. So this much amount of data is required in the this pyramid of energy. So agar aapko answer form karna hai to wo aap kaise likhoge? So first step you will write in the pyramid of energy in aquatic system phytoplanktons are having 10,000 kilocalorie energy. After that from one tropic level to another tropic level, zooplankton is there. So zooplankton gets only 10,000 kilocalorie, that is 1,000 kilocalorie energy. 9,000 kilocalorie energy or 90% kilocalorie energy, it has been lost due to heat. Okay, from zooplanktons to fish, only 100 kilocalorie energy it has been reached, and rest 900 kilocalorie energy it has been lost in the form of heat. Again from fish to human only 10 kilocalorie energy has been reached, and rest 90 kilocalorie energy it has been lost in the heat. So aap ye steps mein likhenge to you will get full marks, and pyramid ka sequence remember karne ke liye again I repeat P Z F H ye aap yaad rakhiyega. P stands for phytoplanktons, zooplanktons, fish and humans. Okay. Now, आगे एक चीज और आपके बुक में दी गई है, दैट इज डीकम्पोजर्स. व्हाट दे आर, हाउ दे आर, लेट अस डिस्कस. डीकम्पोजर्स ये होता क्या है? डीकंपोजर्स दे आर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक फंजाई और बैक्टीरिया. ओके, फंजाई और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? लास्ट में सपोज किसी एनिमल का डेथ हो गया, एनिमल डेथ. ओके, एनिमल डेथ हो गया तो उसके ऊपर फीड करते हैं. सपोज बाज, चील, कौवे फीड करते हैं. ओके, उनका जब पेट भर जाता है तो दे लीव दैट मास जो होता है, एनिमल मास जो होता है उसी को छोड़ देते हैं. एनिमल मास इज लेफ्ट. ओके, जो भी बर्ड्स वगैरह है खा लिया, उसके बाद एनिमल मास ओनली इज लेफ्ट, थोड़े से मास रहते हैं. तो आप देखोगे कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है, जैसे हम लोगों के घर में अगर चूहा मर गया या सड़क पे चूहा मर गया, तो आज देखें अगर चूहे का डेथ है तो डेड बॉडी है चूहे की थोड़ी सी, बट आफ्टर टू डेज यू विल नॉट गोइंग टू सी दोस माउस इन द That area. वो क्या होता है? इट डीकम्पोज. ओके, डीकम्पोज होता है. एंड डीकम्पोज होने का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो फंजाई एंड बैक्टीरिया है, ये फंजाई और बैक्टीरिया है, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो एनिमल मास लेफ्ट है उसके ऊपर अटैक करते हैं, एंड उनके लिए ये जो एनिमल मास जो बचा हुआ होता है वो उनके लिए एक तरीके का खाना होता है, एंड डीकम्पोज होने के बाद इसको बोलते हैं डीकम्पोजर. ओके, सो दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई और बैक्टीरिया. जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है ना, हमने जो पढ़ा था, ओके, प्रोड्यूसर हमने सबसे पहले पढ़ा था, हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, उसके बाद ओमनीवोर्स, उसके बाद एंड द फर्स्ट लास्ट कम्स डीकम्पोजर्स. जो सबसे बचा हुआ मास होता है वो डीकम्पोजर्स होता है. ओके, डीकम्पोजर्स के लिए. सो दिस इज द कंसेप्ट. सो वेरी सिंपल डीकम्पोजर, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया विच कम्स अंडर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल.
यहाँ, सो दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ओके। सो दिस इज अबाउट एनर्जी ऑफ पिरामिड, वी हैव डिस्कस अबाउट एनर्जी, व्हाट एनर्जी ऑफ पिरामिड, एग्जाम्पल हमने देखा एनर्जी ऑफ पिरामिड इन द वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम, लास्ट वी हैव सीन डीकम्पोजर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।